तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोटर का जो स्टार्टर होता है उसका अगर आपको कनेक्शन करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से रनिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं, किस प्रकार से स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं। हमने पहली वीडियो जो बनाया था ना उसमें सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगाकर बताया था कि उसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी बताएंगे कि अगर समरसेबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने चाहते हैं तो उसको भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आप क्या अगर आप बढ़िया से इसकी वायरिंग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप पहली वाली वीडियो को हमारी जरूर देखिएगा। पहली वाली जो वीडियो होगी ना उसका जो लिंक होगा हम इसके नीचे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप क्या कर सकते हैं कि पहली वीडियो को देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप भी बहुत ही आसानी से समरसेबल स्टार्टर होता है ना उसका कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पर होती है लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना सिर्फ घुमाने का काम करते हैं, चीजें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, ध्यान से एक बार पूरे वीडियो को आराम से अगर देख लेंगे, पूरा वॉच कर लेंगे, तो आप ये क्या कर सकते हैं, समरसेबल का स्टार्टर जो होता है ना उसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एक एक तार को जोड़ सकते हैं कि यहां कहां पर जाने वाला है, ठीक है ना। हमने पहले वीडियो में पूरा बताया था कि रनिंग कैपेसिटर के साथ किस प्रकार से स्टार्टर का कनेक्शन किया जाएगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ना, यानी दो दो कैपेसिटर के साथ किस प्रकार से आप समरसेबल स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं और वो कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसमें थोड़ा सा हम जल्दी से क्या करेंगे कि इन तारों को घुमाएंगे, ठीक है। अगर आराम से आप पहली वाली वीडियो को हमारी आप देख लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी हम बताएंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें जल्दी करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान से देखना है, पूरा इसका वायरिंग समझना है, तो पहली वीडियो को हमारी जरूर देखिएगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के डायरेक्ट पहले वीडियो को देख लीजिए, यानी पहले पहली वाली वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद जब ये दूसरी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको 100% है कि क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से समरसेबल का जो स्टार्टर है तो उसका कनेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें भी आपको एक बार इसका कनेक्शन करके बता देते हैं फटाफट, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टर के अंदर जो चीजें लगती है ना सबको हमने यहां पर आपको बना दिया है, ठीक है। और यहां पर हमने एक मोटर का भी प्रयोग किया, जो कि आप देख रहे हैं समरसेबल का जो मोटर होता है उसका भी हमने यहां पर प्रयोग किया है, और इसके अंदर जो भी चीजें लगती हैं सबको हमने बना दिया है, जैसे मैग्नेटिक कंटेक्टर हो जाता है, और यहां पर देखेंगे रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, इसका जैक्सन होता है, एमसीबी होता है, स्टार्ट बटन होती है, स्टॉप बटन होती है, स्टार्ट बटन होती है, वोल्टेज पुश बटन होता है, यहां पर वोल्ट मीटर होता है, इंडिकेटर होता है, और एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। यानी जो भी चीजें स्टार्टर के अंदर लगती है, जो सिंगल फेस के जो हमारे समरसेबल के मोटर होते हैं उसके अंदर जो भी चीजें लगती है एक एक करके हमने इसमें पूरा प्रॉपर तौर पे आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए अब इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, यानी दो दो कैपेसिटर कैसे लगाए जाएंगे, रनिंग भी कैसे लगाया जाएगा, स्टार्टिंग भी लगाया कैसे जाएगा। अगर आप पहली वीडियो को भैया देख लेंगे ना तो इसका कनेक्शन करना बिल्कुल ही आसान होगा, यानी बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से जो हमारा पहले फेस निकलता है इसमें भी देख लीजिए, यानी फेस ले जाकर के हमें सीधे क्या करना है कि यहां पर जो एमसीबी होगी ना ले जाकर के हमें इन कर देना है, देख रहे हैं ना, हमने एमसीबी को इन कर दिया, और यहां से जो हमारा फेस निकलेगा उसको ले जाकर के हम वोल्ट मीटर में, अरे एम्पियर मीटर में सॉरी, यानी यहां से जो हमारा फेस निकलेगा डायरेक्ट हमें एम्पियर मीटर में दे देंगे, ठीक है। और यहां से जो हमारा फेस आउट होगा भैया ना, देख रहे हैं ना, यहां से जो हमारा फेस आउट होगा उसको ले जाकर के हमारा जो कॉन्टेक्टर होगा उसके ऊपर वाले पॉइंट में क्या कर देना है, दे देना है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां से हमारा न्यूट्रल आउट होगा, देखिए जो हमारा मेन न्यूट्रल जाएगा ना, देख रहे हैं ना, यहां से जो हमारा मेन न्यूट्रल निकलेगा कुछ इस प्रकार से, देखिए जो हमारा मेन न्यूट्रल निकलेगा इसको ले जाकर के हमारा जो यहां पर कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट खाली था ना उसमें ले जाकर के इन कर देना है, ठीक है ना। अब यहां से जहां से हमने इन किया है ना, अब यहां से जो अपना यहां से तो इन कर दिया, अब यहां से जो हमारा न्यूट्रल निकलेगा तो जो यहां पर बी वाला पॉइंट होगा ना, देख रहे हैं ना, अन जो जंक्शन में बी वाला पॉइंट होगा उसके अंदर ले जाकर के इन कर देना है, अन जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा सीधे यहां पर बी कलर का वायर लगता है, यानी कि ब्लू कलर का वायर लगता है, ले जाकर के हमें वहां पर क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां से जो हमारा फेस इन हो रहा है ना तो यहां से हमारा फेस आउट होगा, और ये फेस जो आउट होगा ना उसको ला करके हमारा जो आर वाला पॉइंट होगा, जो जंक्शन में आर पॉइंट होगा उसके अंदर हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल तरीके से इतना कनेक्शन कर दिया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप भी एक छोटा डायग्राम
बना लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके आराम से आप देखेंगे तो आप भी क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टार्टर का एक डायग्राम बना करके उसका कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉयल होती है, ठीक है ना। यही जो कॉयल होती है ना, इसके अंदर क्या करती है कि वोल्टेज को रोक करके रखती है, यानी कि जो कॉयल, जब तक इन कॉयलों में आप सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में इन नहीं करेगा। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तब जाकर के कॉन्टेक्टर को आपस में चपकाती है और इसके अंदर मैग्नेट क्या होता है, पकड़ लेता है इन कॉयलों को और ये सप्लाई क्या होने लगती है, आने लगती है। यानी कुल मिला जुला करके जब इसके अंदर सप्लाई हम नहीं देते हैं तो ये वोल्टेज को यहाँ पर होल्ड करके लगता है, यानी रोक करके रखता है, ठीक है ना। तो इसका भी कनेक्शन काफी आसान होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं ना, इस कॉयल में कितने पॉइंट होंगे, दो पॉइंट होंगे। तो एक में तो हम न्यूट्रल यहाँ से दे देते हैं, तो जहां से हमने इन किया है भैया ना, देखिए जहां पर कॉन्टेक्टर में हमने फेस को इन किया, अरे न्यूट्रल को इन किया है, उसी पॉइंट से हम तुरंत इसको क्या करते हैं, यहां से न्यूट्रल दे देते हैं। आप देख रहे हैं एक कॉइल को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा होगा। अब यहाँ पर जो पहली वीडियो में आपने देखा था रनिंग कैपेसिटर से दो तार निकल रहे थे ना, तो एक तार को ले जा करके सीधे सीधे हमें किसमें, वाई वाले में जोड़ देना है, देख रहे हैं ना। और यहां से हमारा एक तार निकलेगा और एक तार ले जा करके कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर का है, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, रनिंग कैपेसिटर का एक तार निकलेगा और वाई वाले पॉइंट में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारा इसी जगह से हमारा निकल जाएगा एक तो दूसरा तार, यानी कैपेसिटर का जो दूसरा तार निकलेगा उसको ले जा करके हमें जो यहाँ पर रनिंग वाला पॉइंट है ना, यानी आर वाला जो है, उसके अंदर हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि इसमें देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसका हम कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कंट्रोल बटन होती है, एक बटन से स्टार्ट होता है, मोटर बंद हो जाता है, और एक बटन से हमारा मोटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब इनकी जो हमारे जो पॉइंट होते हैं ना, सिंपल सा होगा, हम इनको आपस में हमें क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अब देखिए एक तो वायर का टुकड़ा लेंगे और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, देख रहे हैं भैया ना, ले जा करके सीधे इन दोनों को आपस में क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। अब देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे हमने कनेक्ट कर दिया ना, और यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से कि अभी कॉन्टेक्टर का एक ठो तार में तो आपने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, यानी जो कॉयल होती है उसका एक तार आपने दे दिया, और जो दूसरा तार यहाँ से बचता है ना, इसको सीधे लेकर के आना है, देखिए ध्यान से इसको सीधे लेकर आना है, और अपना जो यहाँ पर पुश बटन वाला पॉइंट होगा ना, देखिए यहाँ पर जो पुश बटन जहाँ पर हमने दोनों पॉइंटों को आपस में टच किया है, इन्हीं दोनों पॉइंटों में ला करके इस तार को हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। यानी जो कॉयल का ये तार है इसको ला करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हमारा, आप देख रहे हैं इस बटन का भी एक पॉइंट खाली है और इस बटन का भी एक पॉइंट खाली है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो आपका ग्रीन बटन का एक तार निकल रहा है ना, देखिए यानी जो ग्रीन बटन से एक ठो पॉइंट निकल रहा है, एक से एक ठो पॉइंट जो खाली वाला है उसको लेकर के हमें जाना है, देख रहे हैं ना। और ले जा करके हम जहां पर कॉन्टेक्टर में हमने इन किया है फेस सप्लाई को ना, उसी जगह इन कर देना है। यानी जो ग्रीन पॉइंट, जो अपना ग्रीन बटन का एक पॉइंट जो खाली था वहां से एक तार लेकर जाएंगे और जो कॉन्टेक्टर में हमने इन किया था वहां पर इन कर देंगे। अब चाहे इस तार को यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम ले जाकर के कॉन्टेक्टर में क्या कर दिया, इन कर दिया। अब यहां पर देखेंगे जो स्टॉप वाली बटन होती है उसका एक पॉइंट अभी खाली है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ स्टॉप वाली बटन का एक पॉइंट अभी खाली है। तो इसको भी कुछ नहीं, सिंपल सा होगा कि यहां से एक ठो तार लेंगे, यानी स्टॉप वाली बटन से एक ठो तार उठाएंगे और लेकर जाएंगे कि ऊपर की साइड में, देख रहे हैं ना, कहां लेकर जाएंगे, ऊपर की साइड में लेकर जाएंगे। देखिए भैया ध्यान से देखिएगा तार कैसे जा रहे हैं, और ले जा करके जो अपना ग्रीन वाली बटन जहां से आपने इन किया है ना, यानी ग्रीन वाली बटन का जहां से आपने इन किया, तो आपका रेड बटन का जो दूसरा पॉइंट खाली होगा वहां पर हम जो कॉन्टेक्टर का आउट वाला पॉइंट होगा उसके अंदर ले जा करके हमें इन कर देना है, समझ रहे ना, यानी ले जा करके हमें लगा देना है। अब यहां से जैसे हम इस बटन को दबाएंगे ना, ये तुरंत इसके कॉइल को क्या कर देगा, इसकी सप्लाई को कट कर देगा और यहां से तुरंत हमारा मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे हम यहां से बटन को दबाएंगे इस तरह से ये वाला कॉइल ले जा करके इसको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा और यहां से सप्लाई क्या होने लगेगी, जाने लगेगी, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से इनका कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना भैया, उसको अभी रहने दीजिए। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इंडिकेटर दिया गया है,
क्या है, इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर को जानते हैं कि डायरेक्ट ही न्यूट्रल फेस मिलेगा तो ये काम करेगा। तो हमें इंडिकेटर का प्रयोग उस अवस्था में करना है कि जब हमारा स्टार्टर जब हमारा मोटर स्टार्ट हो तब हमारा इंडिकेटर क्या हो जाए, चलने लगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक तार तो हम यहां पर डायरेक्ट फेस दे देते हैं, ठीक है ना। हमने वोल्ट मीटर से ही तुरंत इसको क्या कर दिया, फेस दे दिया। अब जो भैया इंडिकेटर का जो न्यूट्रल होगा ना, हमें इसका उस समय प्रयोग करना है कि जब हम अपने मोटर को स्टार्ट करेंगे तभी जाकर के हमारा इंडिकेटर जलना चाहिए, वरना जलना नहीं चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करने के लिए सिंपल सा होगा, यहां से फेस तो हमने डायरेक्ट दे दिया। अब यहां से हमारा न्यूट्रल जो होगा ना, देख रहे हैं ना, जो हमारा न्यूट्रल आउट होगा, देखिएगा ध्यान से, और यहां से जो हमारा न्यूट्रल इसको दिया जाएगा, कंटेक्टर का जो आउट वाला पॉइंट होगा उसके अंदर दे देंगे, ठीक है ना, ले जाकर के। देखिए अब जैसे हम यहां से स्टार्ट करेंगे तुरंत हमारा न्यूट्रल यहां आएगा और मोटर हमारा जब स्टार्ट होगा तो इंडिकेटर भी क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, देख रहे हैं ना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नहीं हमारी मोटर क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन करना काफी आसान होता है, क्योंकि यहां पर एक वोल्टेज पुश बटन होता है, इससे सिर्फ हम जब इस बटन को दबाते हैं तब जाकर के हमारा वोल्टेज क्या होता है, सो होता है, और इसकी सुई ऊपर जाती है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने से हमारे वोल्ट मीटर का कोई मतलब नहीं होगा, ये जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए कि इस पुश बटन से प्रयोग करिए कि अगर आपको वोल्टेज देखना है, खाली हमें तो एक बार वोल्टेज देखने से मतलब होता है, तो इसको दबा करके हम सीधे इसकी सुई जब ऊपर चली जाए तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं हमारे घर के अंदर इतने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि सिंपल सा होगा, अब इसको फेस चाहिए भैया ना, देखिए अगर फेस चाहिए तो फेस तो एमसीवी की आउटपुट जो हमारा होगा ना, इसी वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, लेकर के जाना है, और ले जाकर के जो पुश बटन होगी उसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे हमें ले जाकर के इन कर देना, यानी फेस को यहां से लेकर जाएंगे और यहां पर हमें इन कर देना है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है कि आउट करना है, देखिएगा ध्यान से, अब यहां से हमारा फेस जो आउट होगा और वोल्ट मीटर के किसी एक वाले पॉइंट पे ले जाकर के इन कर देना है, देख रहे हैं ना, हमने वोल्ट मीटर के किसी एक पॉइंट पे क्या कर दिया, इन कर, क्योंकि वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बनते हैं, तो एक में हम न्यूट्रल देते हैं, दूसरे में फेस देते हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर काम करता है। अब देख रहे हैं ना, यहां से फेस इसमें आया पुश बटन में, और पुश बटन से आउट होकर के हमारा वोल्ट मीटर में चल गया। अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आप क्या करेंगे भैया, डायरेक्ट यहां से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रल आप डायरेक्ट यहां से भी दे सकते हैं, तो चलिए हम न्यूट्रल को क्या करते हैं, यहां से न दे करके डायरेक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, देखिए ये जो हमारा कंटेक्टर होगा जहां से न्यूट्रल में इन हो रहा है, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं ना कि यहां से देखिए यहां से जो न्यूट्रल जा रहा है वो डायरेक्ट ले जाकर के इन हो रहा है, तो जहां से न्यूट्रल कंटेक्टर में इन हो रहा है उसी जगह से डायरेक्ट हम न्यूट्रल को क्या करते हैं, दे देते हैं। अब देखिए अब यहां से हमारा फेस पहुंचेगा यहां से न्यूट्रल, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा इसके अंदर आएगा, और फेस यहां से जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे, क्योंकि एमसीबी तो हमारा ऑन रहेगा ना, और फेस हमारा चला आएगा यहां पर, और जैसे इस बटन को दबाएंगे फेस यहां पहुंचेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा, वोल्टेज यहां शो होने लगेंगे, आपको ये सुई जो होगी ना बताने लगेगी कि नहीं इतने वोल्टेज इसके अंदर लाइट आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो नॉर्मल से, यानी पहले वीडियो में जो हम बताए थे ना, यानी कि वो अपना कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ना वो किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो बड़ा काम नहीं होता है भैया, ठीक है ना। अगर आपके स्टार्टर के अंदर समझिएगा, अगर आपके स्टार्टर के अंदर अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है तो बड़ा काम नहीं होता, इसका भी दो तार होते हैं ना। बस एक चीज हमें करना पड़ेगा कि आपके पास ये जो दो पिन की जो स्विच थी ना, देख रहे हैं ना कितने पिन की थी, दो पिन की स्विच थी। अब यहां पर हमारा क्या होगा, चार पिन वाले स्विच का प्रयोग करेंगे, यानी ऐसे ऐसे जो तार जोड़ने के लिए कितने पॉइंट होंगे, चार पॉइंट होंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे इसमें आप देख रहे हैं तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट है ना, यानी इस जो स्टार्ट वाली बटन में तार जोड़ने के लिए आपको दो पॉइंट दिख रहा है, अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे तो इसी जो स्टार्ट वाली बटन होगी ना, इसमें तार जोड़ने के लिए कुल अपना चार पॉइंट हो जाएंगे, यानी दो तो ऐसे सेम टू सेम, यानी कि दो पॉइंट में हम जैसे ऐसे कनेक्ट किए है ना, ऐसे ही हम जोड़ देंगे, और इसके अंदर दो पॉइंट ऐसे बने होंगे, देख रहे हैं ना भैया, ध्यान से देखिएगा कैसे इसका कनेक्शन होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर का, बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। अगर पहला आपने वीडियो देखा होगा तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्टार्ट बटन होगी ना, इसका तो सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो स्टार्ट बटन होगा ना, जहां से हमारा स्टार्ट होगा उसमें अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ना है तो यहां से आप क्या कर देंगे कि स्टार्ट वाली बटन में आपको चार तार वाली बटन लेना पड़ेगा, जो कि 40-50 रुपए की मिलती है, ठीक है ना। अब यहां से दो, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, जब लेंगे ना तो दो पॉइंट में जैसे आपने इसमें
में कनेक्शन किया था ना, ऐसे पॉइंट सेम रहेंगे, यानी ऐसे ही कनेक्शन किए जाएंगे। और दो पॉइंट इसके ऐसे होंगे जिसमें हम कैपेसिटर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है भैया ना, कैपेसिटर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कैपेसिटर को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सा होगा, अब देखिए, अब यहां से हमारा कैपेसिटर से कितने तार निकलेंगे, दो तार निकलेंगे। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, कैपेसिटर से हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी दो तार बचा है ना, तो एक तार को तो सीधे लेकर आएंगे और उसी वाले पॉइंट में जोड़ देना है जहां पर हमारा एक वाई वाला पॉइंट बच जाए। यानी रनिंग और स्टार्टिंग के जो दोनों तार होंगे ना, यानी जहां पर हमारा रनिंग कैपेसिटर का वाई वाले में एक तार जोड़ा था ना, उसी वाले में हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक तार को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब इसको चाहे तो आप यहां से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यहां से आप जोड़ देंगे ना डायरेक्ट, अगर आर वाले में दे देंगे, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट अगर आर वाले में अगर आप दे देंगे, तो आप जब तक आपकी मोटर चलेगी स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका भी काम करेगा। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकेंड के लिए इस मोटर को धक्का देना। जैसे ये मोटर को धक्का देता है ना, तुरंत हमारा ये मोटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और तुरंत फिर इसका काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी इसका कोई भी काम नहीं होता है। तो यहां से आप दे देंगे, जब तक ये सप्लाई होगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन अब इसी तार को हमें कंट्रोल करना है किससे, इस वाले स्टार्टर से, जो चार तार वाला जो स्टार्ट बटन लेकर आया है ना, उसके अंदर हमें कनेक्ट करना है। तो ये दो तार तो सेम हो गए, अब सिंपल सा होगा, इसका जो एक तार होगा भैया ना, देखिएगा ध्यान से, अब इसका जो एक तार होगा स्टार्टर वाला, ये जो बच गया है इसको हमें लेकर के आना है। देखिए, अब यहां से हमारा थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना, और लेकर के आना है और इसके एक पॉइंट में ले जाकर के इन कर देना है। सिंपल सा समझिएगा, फिर से यहां से जो हमारा स्टार्टर का एक तार तो हमने वाई वाले में डायरेक्ट लगा दिया, और इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा तार आएगा ना, वो ला करके हम जो स्टार्ट वाली बटन का एक पॉइंट जो खाली था, दो पॉइंट थे ना, तो उसमें हम ले जाकर के एक पॉइंट में हमें क्या कर देना है, इन कर देना है। ठीक है, और यहां से जब हम आउट करेंगे, देखिएगा, अगर यहां से हम जो आउट करेंगे, यहां से देख रहे हैं ना, यानी दो तार थे, एक तार हमें अब यहां से तो हमने इन कर दिया, तो एक पॉइंट खाली है भैया ना, एक पॉइंट जब खाली होगा तो यहां से हमें आउट करना है। देखिए, यहां से हमारा क्या करना है, आउट करना है। आउट करके हम लेकर आएंगे, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और अपना जो रनिंग वाला पॉइंट होगा ना, उसी में अपना जोड़ देना है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं रनिंग वाले में ऑलरेडी जो कंटेक्टर से पार आउट होके आ रहा है वो भी इसके अंदर क्या है, कनेक्ट है, और रनिंग कैपेसिटर का भी एक तार कनेक्ट है, और जो हमारा ये पुश बटन यानी स्टार्ट बटन से जो तार निकलेगा ना, उसको भी ला करके हम उसी रनिंग वाले में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसी संपूर्ण वायरिंग, स्टार्टिंग कैपेसिटर की संपूर्ण वायरिंग हो चुकी है, कुछ नहीं करना था, बस जो दो पिन वाले जो स्विच थी, स्टार्ट बटन थी ना, उसको हटा करके हमें चार पिन वाली लगा देना है। और चार पिन में तो दो पिन का कनेक्शन तो सेम होगा, और दो पिन का जो दो पिन बच जाएगी उसमें से कैपेसिटर के एक तार को लेकर आएंगे और किसी भी एक पॉइंट पे लाकर के इन कर देना है। और यहां से हमारा जब आउट होगा ना, इसको ले जाकर के जो यहां पर रनिंग वाला पॉइंट होगा, आर वाला पॉइंट होगा, जिसके अंदर की स्टार्टर है, रनिंग का एक तार जुड़ा है, कंटेक्टर का एक मेन तार जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर हमें इसको ला करके क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो दूसरा तार होगा, जो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों का जो वाई वाले में ले जाकर के हमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और यहां पर देखेंगे तो संपूर्ण वायरिंग हो चुकी है, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ अगर स्टार्टर की वायरिंग आपको करना है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसमें भी कनेक्शन वही होंगे भैया, अब यहां से हमारा फेयर से हमारा फेस होगा, देख रहे हैं ना, अब यहां से हमारा जो फेस होगा ले जा करके डायरेक्ट स्टार्टर में हमें इन कर देना है। ठीक है ना, अब यहां से हमारा फेस पहुंच गया, इसके बाद हमारा जो न्यूट्रल होगा ना, देख रहे हैं ना, यहां से जो हमारा न्यूट्रल होगा उसको भी ले जा करके हम यहां से इन कर देंगे। अब यहां से हमारा फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट इसके अंदर पहुंच चुका है, और इधर हमारी लगी होगी मोटर, जो समरसेबल मोटर होगी ना, ये तो अंदर होती है, हमने दिखाने के लिए यहां पर कनेक्ट कर दिया है। यहां से आपको निकलेगा एक की लीड, समझ रहे ना, यहां से क्या निकलेगी, लीड निकलेगी, और इस लीड से तीन तार निकले जो कि RYB होंगे। ठीक है ना, RYB होंगे, एक कंफर्म है 100% है कि आपको ये तीनों कलर के वायर आपको मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं ना, ये तीनों कलर के वायर मिलने वाले हैं। तो सिंपल सा होगा, उसमें से जो ब्लू कलर का तार होगा ना, उसको ला करके आपके जो इसका डब्बा होगा उसके ऊपर लिखा होगा B, वहां पर लीजिए ला करके हमें क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। जंक्शन के ऊपर भी लिखा होगा B, सीधे ले जाकर के ब्लू वाले को वहां कनेक्ट कर देना है, देख रहे ना। और इसके बाद यहां से एक वाई कलर का निकलेगा, ठीक है ना, और ला करके जंक्शन पे लिखा होगा वाई, उस वाले पॉइंट में हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और फिर यहां पर एक रेड निकलेगा तार, समझ रहे ना, और यहां पर हमारा लिखा होगा आर, जंक्शन पे हमारा क्या लिखा होगा, आर,
देख रहे हैं भैया ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि समरसेबल से जो तीन तार निकल रहे थे RYB, तीनों को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से जो हमारा फेस न्यूट्रल है डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच रहा है, और जैसे यहाँ पहुंचेगा यहाँ MCB को ऑन करेंगे, स्टार्ट वाली बटन को दबाएंगे, ये तुरंत रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होंगे आपस में कलेक्ट करेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर तुरंत समरसेबल को झटका देगा, हमारा समरसेबल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और रनिंग कैपेसिटर लगातार क्या करेगा, चलाता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे एम्पियर तुरंत शो होने लगेगा, इसकी सुई ऊपर जाएगी और हमें बताने लगेगी कि नहीं आपका ये जो मोटर है कितना लोड ले रहा है। अगर आपको वोल्टेज देखना है ना तो यहाँ से पुश वाली बटन को आप दबाएंगे, वोल्टेज पुश वाली बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज भी क्या होंगे, शो हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नहीं आपका वोल्टेज यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ से आप दबाएंगे आपका इंडिकेटर जलने लगेगा, यानी जब हमारा मोटर स्टार्ट होगा ना तभी जाकर के हमारा इंडिकेटर जलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा, दूर से देखकर समझ जाएंगे कि नहीं हमारा मोटर क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। और जैसे हम इस रेड वाली बटन को दबा देंगे पूरा हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा ये मोटर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अगर आपको डबल कैपेसिटर के साथ रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ समरसेबल मोटर का आपका वायरिंग करना है तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो और ही आसानी से आप इसका कनेक्शन कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर ध्यान से दोनों वीडियो को आपने देख लिया, हमारी दोनों वीडियो को आपने देख लिया तो बहुत ही बढ़िया से अगर स्टार्टर का कोई भी स्टार्टर हो सिंगल फेज का समरसेबल का उसका आप कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसका हम फुल प्रैक्टिकल, यानी कि हमारी थ्योरी वाली वीडियो थी ना, हम और इसमें वीडियो बनाएंगे जो कि फुल प्रैक्टिकल में होगी, प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे नहीं किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाएगा, बिल्कुल लाइव जो प्रैक्टिकल चलेगा ना, बिल्कुल एक एक तार को कनेक्ट करके इसके अंदर हम बताएंगे। ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि हाँ कौन सा तार कहाँ पर जोड़ा जाता है, इसीलिए हमने डायग्राम के हिसाब से कुछ इस किया कि पहले आपको डायग्राम सिखाया जाए, इसके बाद आपको तुरंत प्रैक्टिकल पर लिया जाए, जिससे आपको चीज एक समरसेबल का पूरा एक मास्टर आप बन जाएं, और चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी समरसेबल आपको लाकर दे दे, एक एक पार्ट को लाकर दे दे तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ध्यान से इस वीडियो को अंत तक आपने देखा होगा तो आप भी एक समरसेबल के अंदर दो कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।